अगर मरीज खुद से तयम्मुम नहीं कर सकता, कोई बीमार है, स्ट्रक्चर पे है, बेड पे लेटे हुए है और वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे बीमार हैं कि वो खुद से तयम्मुम भी नहीं कर सकते, तो भी शरीयत कहती है, शरीयत में आसानी है, शरीयत ये कहती है कि भाई दूसरा आदमी, कोई तैमारदार, कोई अटेंडर जो उनका है, वो कहीं हाथ मारे ज़मीन पर, मिट्टी पर, और वो हाथ मरीज पे फेर दे, चेहरे पे, हाथों पे, तयम्मुम हो जाएगा। उसके बाद वो इशारे से नमाज़ पढ़ ले, इशारे से तो लेटे लेटे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। हमारा नमाज का प्रैक्टिकल जो वीडियो है लेट कर नमाज़ पढ़ने का, उसमें देखें आप बड़ी सहूलत से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो शरीयत में ये आसानी है कि खुद से तयम्मुम नहीं कर सकते तो दूसरा कोई बंदा आपके हाथ फेर कर तयम्मुम करा दे, तयम्मुम हो जाएगा, उससे नमाज़ पढ़ ले, उससे कुरान पढ़ ले, उससे जो है जो भी नेक काम करना है उससे कर सकते हैं। तो ये आसानी शरीयत में दी है। इसकी और भी तफसील फतावे शामी वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 357 पर लिखी हुई है।